पूरा ग्रंथ जा लिया। हालत तो यह हो गई है बहनों भाइयों कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस चीज पर हाथ रखते हैं वह गायब हो जाते हैं। आलू पर हाथ रखने आलू गायब, प्याज पर हाथ रखते प्याज गायब, सब कुछ सब कोयले के फाइल पर हाथ रखते कोयला की फाइल गायब। एक बार एक गांव की बूढ़ी थी, उसके पीठ में बहुत दर्द है, तो प्रधानमंत्री के पास एक दरखास्त लेकर गए। प्रधानमंत्री जी ने दरखास्त को देखा और अपने निजी सचिव को कहा इसे 50,000 रूपये दे दो। फिर भी गुड़िया जब ये रही हड्डी नहीं, तो उन्होंने पूछा कि गुड़िया और क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? वो चुप रही, तो सोचा उन्होंने कि इसे कुछ और चाहिए, तो उन्होंने कहा 50,000 रूपया हो गए। फिर भी नहीं कर, फिर पूछा तो गुड़िया ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, हमको तो बताया गया है कि आपकी सरकार ऐसी सरकार है कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो गायब हो जाता है। तो हमारी पीठ में भी बहुत दर्द है, मेरी पीठ पर हाथ रख लीजिए, मेरे पीठ का दर्द गायब हो जाएगा। इसी अभी वो गरीब हालत हो गई और हम लोगों ने जो सरकार चलाई थी इसमें पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हो गए। मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहता। जानते हो भारत ही नहीं दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हिंदुस्तान में ऐसी ही चलती रही तो 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने कितनी ताकत हासिल कर ली थी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत की साख, भारत की शान बढ़ गई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी होगी, 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे और भारत आने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों के संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में एक वाक्य उन्होंने कहा था कि भारत इज नॉट इमर्जिंग बट भारत हैज इमर्ज्ड। पर भारत केवल खड़ा ही नहीं हो रहा है बल्कि अब भारत खड़ा हो गया है, यह विश्वास मजबूत बन नहीं रहा है, मजबूत बन गया है, यह कहने का उनका भाव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि 2004 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी के साथ मजबूत हुई, ताकतवर हुई, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहनों भाइयों भारत की बिल्कुल साफ विश्वसनीयता इस कांग्रेस की हुकूमत ने पूरी तरह से समाप्त कर दी। और मैं तो कहना चाहता हूं कि सचमुच ही आजाद भारत में 75 वर्षों तक लगातार हुकूमत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देशवासियों के हौसले को तोड़ दिया। जनता का जब हौसला टूट जाता है दोनों भाइयों, छोटी सी छोटी चुनौतियों का भी वो मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन यदि इंसान हो अथवा पूरी पूरा समाज हो उसका हौसला बुलंद रहता है तो चाहे चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों हो उस पर विजय हासिल करने में उसे कामयाबी मिलती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस हौसले को तोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, उस हौसले को यदि पुनः कोई कायम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुकी है, बड़े बड़े नेताओं के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कभी यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर है, कभी यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी जहरीली पार्टी, कभी यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी चोर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी, हम संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार के खजाने में जमा है, बहनों भाइयों हम तो उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, हम उसकी पहरेदारी कर रहे हैं विपक्ष की विपक्षी पार्टी के। हम चोर कैसे हो सकते हैं? विपक्षी दल में रहते हुए चोरी करने की संभावनाएं कांग्रेस के दोस्तों नहीं रहती, चोरी करने की संभावनाएं रहती हैं तो सरकार में बने रहने पर ही चोरी करने की संभावनाएं होती हैं।
भारतीय जनता पार्टी को चोर कैसे कहें। सोनिया जी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जहरीली है। क्या हम जनता के बीच यदि महंगाई की बात करते हैं इसलिए हम जहरीले हैं? क्या हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं इसलिए हम जहरीले हैं? क्या जब हम ये कहते हैं कि आप कह रहे थे देश की सीमाएं सिकुड़ी हैं तो इस कारण हम जहरीले हो गए? कहां हमने जहर बनाया? क्या कहा जाए? जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमार होने तक डिप्रेशन में चला जाता है तो अनाप शनाप जो मन में आता है बोलता है, वही हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो। हम जहरीले हो, लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक लफ्ज भी नहीं बोलती। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में कभी भी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जितना इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया है। यह हालत इन लोगों की, और सबको सब हम देशवासियों के मान सम्मान स्वाभिमान पर भी चोट पहुंचाई। आप कहेंगे कैसे? दुनिया के छोटे छोटे देश भारत की बात सुनने को तैयार है, मानने को तैयार है। मालदीव दुनिया का एक छोटा सा देश है, भारत की बात सुनता नहीं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। बहनों भाइयों, आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान के सेना के जवान आते हैं भारत की सीमा में घुस जाते हैं, भारत के सेना के जवानों की हत्या करके वापस चले जाते हैं, और एक बार तो हमारे दो सेना के जवानों की हत्या करते हैं, और एक सेना के जवान की हत्या करने के बाद उसके शव को कुचल डाला और दूसरे सेना के जवान का सिर धड़ से अलग कर वो सिर अपने साथ ले गए। फिर भी प्रधानमंत्री की आप चिट्ठी सा दे बैठे। उस समय सारी दुनिया ने भारत की शौर्य और पराक्रम को देखा है, भारत के सेना के जवानों को के शौर्य और पराक्रम को देखा है। अरे प्रधानमंत्री जी, बार बार हमारे सेना के जवानों का हाथ बांधने की कोशिश मत करो, एक बार हमारे सेना के जवानों को खुला हाथ छोड़ दो। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर हाथ उठा कर देखने की कोशिश। बहनों भाइयों, देश संकट के खबर में फंसा हुआ है। इस देश को बचा सकता है कोई तो केवल नेता नहीं बचा सकता है, बचा सकता है जो कोई तो केवल हिंदुस्तान की जनता बचा सकती है। आपका फैसला इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि मोहन सिंह भूषकर जगदीश नाम से हमारे रिश्ते कैसे, क्योंकि चाहे मोहन सिंह भूषकर अथवा जगदीश प्रधान हो अथवा कोई भी, वह देश नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी यदि राजनीति करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। वोटों का फैसला बनने वाली होना चाहिए तो देश के लिए होना चाहिए कि देश का भविष्य, देश की तकदीर कौन सी राजनीतिक पार्टी बना सकती है, इस आधार पर फैसला होना चाहिए। शीला जी से पूछ ली, इतने दिवस सरकार किया क्या आपने? मुझे तो ये बताया गया कि मुस्तफाबाद में शायद कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक नहीं है, ये सच्चाई है क्या? बिजली तो मैंने पहले ही बताया, बिजली की हालत कितनी खराब है। थके हारे आप शाम को घरों में जाते होंगे, रात को घरों में जाते होंगे, अगर आदमी थक जाता है तो वैसे ही आपकी रोशनी थोड़ी कम कमजोर पड़ जाती है, और जब थके हारे आप जाते होंगे बिजली रहती नहीं होगी तो न तो आप घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे न घरवाली आपका चेहरा देख पाते होंगे। यह हालत आपके पेड़ बहुत ज्यादा है, पेड़ बहुत ज्यादा। रेत के बारे में तो अभी इन्होंने मोहन सिंह मिश्र ने बताया, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग बहने वालियों कि हम लोगों ने जो कुछ भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है अक्षरशः उसको पूरा करेंगे, और जहां जहां भी हमारी चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां भी हमारी सरकारें बनी, अपने सभी लोगों को मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिवर्ष हर राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा कराई जाएगी और यह देखा जाएगा कि हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी बराबर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। और यहां भी आज की प्रेस वार्ता में भी, हमारी प्रेस वार्ता थी,
दिल्ली प्रदेश कार्यालय में वहां पर भी मैंने यह बात कही कि मैं इसकी समीक्षा कराऊंगा। और मैं बताना चाहता हूं, आज तक जब भी हमारी सरकार रही, जो भी चुनावी घोषणा पत्र में हमने वादे किए हैं, अक्षर से अपने वादों को हमने पूरा किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता, और कथनी और करनी में अंतर पैदा करके इसी कांग्रेस ने इस देश में विश्वास का संकट पैदा किया है, और इस विश्वास के संकट को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए समाज के सभी वर्गों से मैं अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, देश का भविष्य बनाने बहनों भाग के मन के अंदर भय पैदा कर वोट हासिल किया जाता है। सोनिया जी चार साल कुछ नहीं बोली, अब बोल रही है भारतीय जनता पार्टी बहुत समाज को बांटकर काम करती है, समाज को बांटने वाली पार्टी है। बहनों भाइयों, हमने कब समाज को बांटा है? कोई बता दें, हमारी राज्य सरकारें जहां चल रही हैं वहां दंगा हुआ हो क्या? गुजरात में एक दंगा 12 वर्षों में एक दंगा हो गया, उसके लिए हम समाज को बांटने वाले हो गए? दंगा चाहे जहां भी हो, जिस रूप में हो, चाहे जब भी हो, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है। दंगे को हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम उसे न्याय संगत नहीं कह सकते, उसकी सभी को आलोचना करनी चाहिए, हम लोग भी आलोचना करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, यही 1969 में उसी गुजरात में दंगा हुआ था, कई मस्जिद नजार जला दिए गए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तब तो किसी ने उन्हें मौत का सौदागर नहीं कहा था, उनका नाम था हितेंद्र देसाई मुख्यमंत्री, किसी ने नहीं कहा। इतना ही नहीं, असम में नेल्ली नामक स्थान पर 1983 में 5 घंटे के अंदर 5,000 लोगों की जाने गई थी, और मिस्टर सैकी उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको तो सोनिया जी किसी कांग्रेस के नेता ने मौत का सौदा कर नहीं किया। यही समाजवादी पार्टी बगल का राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, 1.5 वर्षों के अंदर वहां 100 से अधिक सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई, उन्हें तो किसी ने नहीं कहा मौत का सौदा, वह तो समाज को बांटने वाले लोग नहीं है। हम कैसे सकते, हमें क्यों कहा जाता है कि हम समाज को बांटने वाले? बहनों भाइयों, हकीकत यह है, जैसे हिंदुस्तान में समाज को जोड़कर चलने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। और आज इस सभा के माध्यम से मैं केवल यही के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह आपके मन में भय पैदा करके, आपके मन में दहशत पैदा करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहेगी। यदि हम आपका समर्थन हासिल करना चाहेंगे तो आपके दिल में प्यार और मोहब्बत पैदा करके ही हम आपका समर्थन और विश्वास हासिल करना चाहेंगे। एक बार हमारे नजदीक आकर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर है। हम किसी को अधिक और किसी को कम यह नहीं करने वाले, जो होगा सबके साथ न्याय करेंगे, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, जो भी पारसी होगा, जो भी भारत की मिट्टी में खेल कूद कर पैदा हुआ है, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है, उसी आधार पर हम काम करने वाली पार्टी। बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए, भारत को धनवान भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत बनाना है, विश्व को विश्व की भारत को महाशक्ति बनाना है। कैसे होगा? लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी पैसा धन, और आप सभी जानते हैं लक्ष्मी भी कभी भी हाथ हिलाते हुए किसी के घर में नहीं आती है, पंजा हिलाते हुए लक्ष्मी जी घर में कभी नहीं आती, हाथी पर बैठ के नहीं आती, झाड़ू लगाते हुए नहीं आती, साइकिल पर बैठ कर नहीं आती। मैंने भाइयों, लक्ष्मी ही यदि घर में आएंगे तो केवल और केवल कमल के फूल सभी बैठ कर आएंगे। आप सभी कमल कदम बढ़ाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाइए, और हमारे दोनों प्रत्याशी मोहन सिंह बिस्ट और जगदीश प्रधान दोनों को जिताइए। और मैं कहना चाहूंगा मोहन सिंह जी और जगदीश जी, हां बिस्ट जी और जगदीश जी दोनों लोगों से
एक मजाते विजय विजय बहनों भाइयों विजय होनी चाहिए जो हमारे दोनों प्रत्याशी 5,000-10,000 से विजय नहीं होनी चाहिए। यदि इनकी विजय होनी चाहिए तो कम से कम 20-25,000 मतों से इनकी चुनाव मतदान कर पचास हजार मैंने 25 पर लाया इसको बढ़ाकर 1,00,000 तक ले जाना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद कुछ समय के बाद 2-4 महीने एक बार फिर से आप दोनों इस विधानसभा में मुझे फिर से बुला लें। बहनों भाइयों जो दोबारा आपके बीच आना दोबारा यदि आपके बीच आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा बल्कि शीश झुकाकर इन दोनों क्षेत्रों की जनता का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा। सभी क्षेत्र की जनता को मैं सूचना देना चाहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी सीआरपीएफ धारीपुर पर पहुंच चुके हैं।